नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल मिलादुन नबी को लेकर मुफस्सिल और नगर थाने में हुई शांति समिति की बैठक। किसी भी तरह का जलसा या जुलूस पर लगाई गई रोक। सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार को मनाने का तैयार हुआ मसौदा। गादी श्रीरामपुर में फैक्ट्री संचालक लकी केजरीवाल पर लगा गंभीर आरोप। 3 लोगों ने जिला व पुलिस प्रशासन को दिया आवेदन। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गांडे में भाजपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन। पीएम आवास समन्वयक पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बीडीओ ने कहा जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। और बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में आयोजित हुआ भव्य भंडारा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। कोरोना को देखते हुए की गई थी पैकेटिंग की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोरोना को देखते हुए पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर किसी भी प्रकार का जुलूस या जलसा का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया। नगर थाना में बुधवार की शाम शांति समिति की बैठक की गई। यह बैठक SDO प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। मौके पर DSP वन विनोद कुमार रवानी, थाना प्रभारी SN चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर बैठक में JMM नेता इरशाद अहमद, महमूद अली खान, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, मोहम्मद आबिद गांधी, मोहम्मद निजामुद्दीन, शहबाज अहमद, मोहम्मद असदुल्लाह, मोहम्मद शमशीर आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर कोई जुलूस या जलसा नहीं करने का निर्णय लिया गया। वहीं किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ नहीं लगाने की हिदायत भी सभी को दी गई। बताया गया कि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व को मनाना है और इसको लेकर आपसी सहमति बनाई गई है। कीजिए और वही सबक स्थगित कर दीजिए। अभी अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा थाना मुफस्सिल में थाना प्रभारी के आदेश से हम लोग का बड़ा हुए मुफस्सिल थाना में बुधवार को ईद मिलादुन नबी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि इस बार किसी भी तरह के जुलूस या मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी को लेकर बुधवार को मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने की। बैठक में जानकारी दी गई कि कोरोना को लेकर इस बार जुलूस का आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि ईद मिलादुन नबी पर हर साल जुलूस निकलता था और हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग कर्बला मैदान में जमा होते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर बैठक आयोजित की गई जिसमें समाज के लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि टाउन और पचम्बा अंजुमन की बैठक हो चुकी है, इस बार जुलूस का आयोजन नहीं होगा। वहीं कर्बला मैदान में मेला भी नहीं लगेगा। बैठक में मोहम्मद आबिद गांधी, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद सगीर, शहबाज अहमद, मोहम्मद असदुल्लाह, मोहम्मद शमशीर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद फरीद, हरगौरी साहब आदि उपस्थित थे। 20 को मिलादुन्नबी का त्यौहार है, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है। उसमें अन्य पिछले वर्षों में भारी जुलूस निकलता था। टाउन का और पचम्बा क्षेत्र का भारी संख्या में, दसों हजार की संख्या में मुस्लिम लोग बरवाडी स्थित कर्बला मैदान में जमा होते थे। तो उसमें इस बार जो है वो भीड़ इकट्ठा नहीं करने के लिए वहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि टाउन में भी तंजीम का और पचम्बा के तंजीम का बैठक हो चुका है। इसमें पूर्व से निर्णय हो चुका है कि इस बार जुलूस नहीं निकलेगा। कर्बला में भीड़ जो होती थी, जो मेला जो लगता था, वो नहीं होगा। यही बात
मुफस्सिल थाना परिसर में बुधवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। अंचल अधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित थाना दिवस के मौके पर जमीन विवाद से संबंधित कुल 6 मामले आए, जिसमें से 3 मामलों का निष्पादन कर लिया गया। वहीं अन्य 3 मामलों को लेकर 11 नवंबर की तिथि दी गई है। इस मौके पर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, हल्का कर्मचारी अशोक कुमार दास, शंभु शंकर विश्वकर्मा समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। थाना में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 6 मामले थे। 6 मामले में 2 मामला का निष्पादन हो गया ऑन स्पॉट, 3 मामले को दिया गया है ये स्पॉट वेरिफिकेशन करने के बाद उसका डिस्पोजल किया जाएगा। 9 तारीख को स्पॉट वेरिफिकेशन करेंगे, 11 तारीख को डिस्पोजल करेंगे। ज़्यादा कौन सा मामला संबंधित है? ज़मीन से संबंधित, जिसमें कोल्डिहा का एक ज़मीन है, जिस पर 6 आदमी अपना अपना दावा कर रहे हैं और 6 आदमी को टाइम दिया गया है 11 तारीख को उसका सुनवाई का डिस्पोजल करेंगे। गादी श्रीरामपुर में राइनो इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक लक्की केजरीवाल पर 3 लोगों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए प्रशासन व गिरिडीह विधायक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त लोगों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक केजरीवाल ने जबरदस्ती इनका काम रुकवा दिया और इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में वसुंधेव राय व अन्य कई लोगों ने राइनो इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक लक्की केजरीवाल पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इसको लेकर 3 लोगों ने जिला और पुलिस प्रशासन के अलावे सदर विधायक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन देने के बाद बुधवार को मुफस्सिल पुलिस मामले की जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची। बताया गया कि वसुंधेव राय, जयकृष्ण राय आदि के रहती जमीन पर अपनी फैक्ट्री के लिए लक्की केजरीवाल हाईटेंशन तार का पोल गाड़ रहा है। इस काम के लिए केजरीवाल ने जबरदस्ती इनका काम रुकवा दिया और इन्हें धमकी दी। इनका कहना है कि ये अपनी जमीन पर विद्यालय निर्माण की योजना बना रहे थे। इसी बीच लक्की केजरीवाल, सुजीत सिंह व अन्य लोगों ने इनकी जमीन पर पोल गाड़कर ऊपर से तार गुजारने की तैयारी शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इन्होंने फिलहाल अपनी जमीन पर दुकान बना रखा है, जिसे हटाने की धमकी बार बार दी जा रही है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन से जान माल की भी गुहार लगाई है। ध्वस्त कर देंगे, जला देंगे, इसके विषय में भी उजाड़ के फेंक भी दिया। एक दिन हमारा झोपड़ी को उठा के फेंक भी दिया था, फिर हम लोग नहीं जा पाए। अपना जमीन को रक्षा करने के लिए हम लोग यहीं पर पूरा परिवार, बाले बच्चा, पत्नी लेकर के बैठा रहते हैं ताकि हमारा पोल नहीं गड़ाए। और इसमें 4 लाइन में आधा जमीन जा चुका है, अधिकृत हो गया। थोड़ा सा ही जमीन हमारा जो है गरीब आदमी का, हम लोग का है, जो को उपार्जन का वही साधन है। हम यहाँ पर स्कूल खोलना चाह रहे हैं और स्कूल यदि खोलेंगे तो बच्चे लोग कैसे, हाई टेंशन का तार हमेशा टेंशन बना हुआ रहेगा, इसलिए इधर से नहीं पास हो, यही मेरा निवेदन है प्रशासन से भी और कंपनी। गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ गौतम भगत की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान JKRS Phase 2, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं 14वें व 15वें वित्त से संबंधित योजनाओं की भी इस दौरान समीक्षा की गई। गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में बुधवार को बीडीओ गौतम भगत की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान JKRS Phase 2, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही 14वीं 15वीं वित्त से संबंधित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। इस बाबत बीडीओ गौतम भगत ने बताया कि दूसरे फेज में मैक्सिमम मजदूरों को मनरेगा में मजदूरी देने का काम किया जाएगा। प्रत्येक दिन 10,000 लोगों को काम दिया जाएगा। बताया कि आवास योजना में 2,500 लोगों को आच्छादित करने का काम किया जा रहा है। कहा कि लाइट, सोलर, पेयजल आपूर्ति का काम चल रहा है, इसकी प्रगति की समीक्षा की जा रही है। मार्च तक कई योजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। बैठक में BPO विकदेव पासवान, हेमलता देवी, जेई मनोज कुमार, रुपेश कुमार, विजय उराव, पंचायत सचिव जमुना हजाम, रोजगार सेवक पवन कुमार, बसंत मंडल जनसेवक समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक का आयोजन किए हैं, जिसमें JKRS Phase 2 के तहत हम लोग मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना
और भी बहुत सारे विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का भी समीक्षा किया जा रहा है। आज इस बैठक में हमारे पंचायत सेवक, जन सेवक, रोजगार सेवक, साथ ही हमारे कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सभी उपस्थित हैं। आज की बैठक में मुख्य बिंदु हमारा मनरेगा में अकुशल मजदूरों को मजदूरी देने का काम का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका द्वितीय फेज में हम लोग मैक्सिमम लाभुकों को हम लोग मजदूरी देने का काम करेंगे, जो भी अकुशल मजदूर बाहर से आए हैं, और हम लोग कम से कम प्रत्येक दिन 10,000 लोगों को काम देने का काम करेंगे। और हम लोग अभी हम लोग आवास योजना में करीब 2,500 लाभुकों को आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। आगे 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस में भी हम लोग बहुत सारे लाइट का काम हो रहा है, सोलर पे जलापूर्ति का काम हो रहा है, और लेबर्स ब्लॉक और PCC रोड वगैरह का काम चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और आगे इसमें काफ़ी प्रगति होने का आसार है। और हम लोग मार्च तक हम लोग बहुत सारे योजनाओं को पूर्ण करने का काम करेंगे और कुशल मजदूरों को मजदूरी देने का काम करेंगे। धन्यवाद। NGT नई दिल्ली में दायर वाद से संबंधित एक बैठक का आयोजन बुधवार को DC ऑफिस में किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि पारित आदेश के आलोक में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल निकायों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना पर जोर दिया गया है। DC ऑफिस कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को NGT नई दिल्ली में दायर वाद से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि OA नंबर 360/218 में पारित आदेश के आलोक में NGT नई दिल्ली द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल निकायों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापना पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में उपायुक्त द्वारा पर्यावरण के लिए जल निकायों के संरक्षण के महत्व पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि तालाब, कुआं, डोभा, बांध, चेक डैम, झील, जल निकाय, जल संचयन संरचनाओं की स्थापना के साथ साथ मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं को हर स्तर पर बड़े पैमाने पर शामिल करने के अलावे उप जल क्षेत्रों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाना, इस कार्य में ग्राम पंचायत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक गांव में कम से कम एक नए तालाब, कुआं, डोभा, बांध, चेक डैम, झील, जल निकाय बहाल किया जाना चाहिए। प्रत्येक जल संग्रहण स्थल जैसे तालाब, झील, कुआं आदि के पानी की गुणवत्ता खराब ना हो, इसकी भी समय समय पर जांच करेंगे। साथ ही सभी वाटर बॉडीज झील की पहचान कर उसका जियो टैगिंग करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, उपनगर आयुक्त, नगर निगम निदेशक DRDA, जिला परियोजना पदाधिकारी DRDA, जिला वन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, NGO के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। गांडे प्रखंड मुख्यालय में भाजपाइयों द्वारा PM आवास के समन्वयक पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए उसे पद से हटाने की मांग की गई और जोरदार प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि समन्वयक राकेश शर्मा ने दासडी गांव के भीम ठाकुर से PM आवास दिलवाने के एवज में 1,000 रुपया लिया था, बावजूद इसके आवास मुहैया नहीं किया गया। गांडे प्रखंड मुख्यालय में भाजपाइयों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया और PM आवास के समन्वयक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की। बताया गया कि क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता यदुनंदन पाठक और PM आवास के समन्वयक राकेश शर्मा के बीच एक मामले को लेकर धक्का मुक्की हो गई। आरोप है कि ग्राम दासडीह के भीम ठाकुर से PM आवास देने के नाम पर 1,000 रुपए लेने के बावजूद PM आवास नहीं देने को लेकर वरिष्ठ नेता यदुनंदन पाठक द्वारा राकेश शर्मा से पूछे जाने पर समन्वयक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग और बाद में हाथापाई की गई। इसी बात को लेकर भाजपाइयों ने पाठक मार्केट से प्रखंड परिसर तक भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रखंड परिसर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए लिखित आवेदन भाजपाइयों ने उपायुक्त के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। प्रखंड विकास पदाधिकारी हरि उरांव ने कहा कि आवेदन के आधार पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर यदुनंदन पाठक के अलावे भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार समेत अन्य कई प्रमुख भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, पैसा लेना बंद करो। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम में
गति देने के लिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के कप्तान, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, और जिनका कर्म ही है हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध करना, उनकी सरकार बनी। और ठीक उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में मोदी टू की सरकार बना। देश के सबसे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2022 तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनका अपना पक्का ढलाई घर नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है ये प्रखंड तय कर लिया है, हम मोदी के सपनों को साकार नहीं होने देंगे। हम इतना राशि ही ले लेंगे उससे, इतना घूस ही ले लेंगे कि ढलैया कर ही नहीं पाएगा, गरीब का दीवार खड़े का खड़े रह जाएगा। और मैं धक्के की चोट पर कहना चाहता हूं, 10,000, 15,000, 20,000 नेगोशिएशन करके यहां घूस लिया जाता है, घूस को राशि को पीसी कहा जाता है, पाप का प्रबंधित धन है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करते आ रही है, और यहां भी विरोध के संदेश देना चाहते हैं और चिताना चाहते हैं, चाहे को भी अधिकारी और जिला स्तर के अधिकारी क्यों रहे हैं, यदि सरकार नहीं सुनती है, आपका प्रशासन नहीं सुनता है, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, और जनता सीधी कार्रवाई कर सकती है, काली बोल सकती है, डंडे मार सकती है। गिरिडीह कोर्ट के समीप बुधवार को अमृत अमूल पार्लर का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में अमूल के सभी तरह के उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने पूरे पार्लर का निरीक्षण किया और संचालक को शुभकामनाएं दी। गिरिडीह कोर्ट के समीप बुधवार की शाम अमूल पार्लर का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काटकर उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया के हाथों कराया गया। मौके पर बलविंदर सिंह सलूजा, हरमिंदर सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, नीरज सहबादी, नवीन आनंद चौरसिया समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बताया गया कि अमृत अमूल पार्लर नाम से खुले इस प्रतिष्ठान में अमूल के तमाम तरह के उत्पाद उपलब्ध होंगे। बताया गया कि अमूल आज देश का नामचीन ब्रांड है और इसके उत्पाद के शौकीन गिरिडीह में भी काफी संख्या में है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस पार्लर का उद्घाटन किया गया है। यहां उद्घाटन के बाद अतिथियों ने संचालक को शुभकामनाएं दी और पूरे प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। अच्छी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो स्तर, जो एक स्टैंडर्ड जो बढ़ा है अपने शहर का, उसको इस टाइप के शोरूम या इस टाइप के चीज़ जो देखते हैं हम लोग, तो देख के लगता है कि अब हमारा शहर भी तरक्की कर रहा है। हम भी अच्छे शहरों में जिस तरह से लोग रहते हैं तो लोग याद करते हैं बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए। मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े शहरों से अच्छा हमारा ही शहर बनता जा रहा है, और इतनी खूबसूरती और इतने अच्छे अच्छे इस तरह के लोग दुकानदारी करेंगे कि एक एक चीज़ की स्पेशल, जैसे अमूल अमूल कैफे, क्या बात। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अब बड़े शहरों का जो आनंद हम लोग उठाते थे, वो अब गिरिडीह में उसी तरह का आनंद हम लोग लेने लगे हैं। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि यहीं पर खालसा होटल हुआ करता था और चरणजीत भैया के पिताजी यहाँ बैठा करते थे। आज उन्होंने अपनी उस धरोहर को जीवित रखते हुए, अपने धरोहर को उसी तरह बने रोशन करते हुए, उसी प्रकार से उसी जगह पर एक अच्छे और ऐसे
मैंने खुशनुमा माहौल को लाया है कि सारे लोग यहाँ पर आएंगे और खुशी खुशी आनंद उठाएंगे। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी ओर से और सारे शहरवासियों को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा अमूल का यहाँ पर कैफे खुला है, आप लोग भी आए और आनंद उठाए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी माँ अमृतपुर के नाम से मैंने ये अमृत अमूल पार्लर नाम रखा है और ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद से मैं ये काम यहाँ पर कर रहा हूँ। और आपको पता ही है कि अमूल आइटम तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ पर हर तरह का अमूल के जितने आइटम है आइसक्रीम से लेकर अवेलेबल है, मैं आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जरूर सुन। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बरमसिया निवासी अनिरुद्ध प्रसाद का निधन हो गया। बुधवार को बरमसिया शमशान घाट में उन्हें मुखाग्नि दी गई। मौके पर नाते रिश्तेदारों के अलावे शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बरमसिया मोहल्ले के सीनियर सिटीजन अनिरुद्ध प्रसाद का निधन मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद हो गया। बुधवार को बरमसिया मारवाड़ी शमशान घाट में उनकी अंत्येष्टि की गई। मौके पर नाते रिश्तेदारों के अलावे शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बताया गया कि वे गिरिडीह के बेहद पुराने बसिंदे थे और यहां कचहरी परिसर में उनका सिन्हा होटल काफी फेमस था। वे हसमुख और मृदुभाषी थे, इस वजह से समाज में उनकी अच्छी पहचान थी। उनके निधन से बरमसिया मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। बुधवार को उनके आवास से उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए मारवाड़ी शमशान घाट ले जाया गया, जहाँ उनके पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। कोल इंडिया द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत बुधवार को भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर एरिया महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यालय से जागरूकता रथ निकाला गया। मौके पर कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। जिले में कोल इंडिया की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को बनियाडी स्थित गरेडी एरिया में महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया, कहा कि न भ्रष्टाचार करेंगे और न ही इसे बढ़ावा देंगे, ताकि एक मजबूत समाज का निर्माण हो सके। देश की उन्नति उत्थान में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी रुकावट है। हम सभी को समाज के हर तबके को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और अपने हक अधिकार को भी जानना होगा। 2 नवम्बर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, ओथ समेत कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं। कार्यक्रम में पीओ विनोद कुमार, स्टाफ अफसर राजीव कुमार, एरिया फाइनेंस मैनेजर सुधांशु कुमार, अभियंता एनके सिंह, डॉक्टर परिमल कुमार, जे कुटकुटिया, ओपन कास्ट खान प्रबंधक अनिल पासवान, राज्यवर्धन कुमार, राजीव पटेल, ओम प्रकाश दास समेत कई लोग शामिल थे। कि हमारे देश के आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक विकास में भ्रष्टाचार प्रमुख बाधा बन गया है। मैं विश्वास करता हूं कि सभी स्टेक होल्डर जैसे सरकार, नागरिक और निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं यह पूर्ण रूप से समझता हूँ कि भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई के समर्थन में प्रत्येक नागरिक को सतर्क एवं ईमानदारी के सर्वोच्च आदर्श और सत्यनिष्ठा के प्रति हर समय वचनबद्ध होना चाहिए। अतः मेरी प्रतिज्ञा है
जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और कानून के नियमों का अनुसरण, न ही घूस लेना न देना। मैं विश्वास करता करती हूँ कि हमारे देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में भ्रष्टाचार प्रमुख बाधा बन गया है। मैं विश्वास करता हूँ कि सभी से स्टेक होल्डर जैसे सरकार, नागरिक और निजी क्षेत्र के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं यह पूर्ण रूप से समझता हूँ कि भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई के समर्थन में प्रत्येक नागरिक को सतर्क एवं ईमानदारी के सर्वोच्च आदर्श और सत्यनिष्ठा के प्रति हर समय वचनबद्ध होना चाहिए। आज सीबीएसई के निर्देशन में विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया है। यूँ तो हमें पूरे अपने कार्य अवधि में ही जागरूक रहने की जरूरत है। जैसा कि अभी हम लोग शपथ लिए कि हम सत्यनिष्ठा और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेंगे, ताकि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे सरकार हो, नागरिक हो, कर्मचारी हो या अन्य किसी भी तरीके से जो जुड़े हैं, उनको किसी तरह का बाधा ना हो और इसी ट्रांसपेरेंसी को एक अवेयरनेस लाने के लिए ये वीक मनाया जाता है। अतः इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी सहकर्मी पूरे जोश शोर के साथ इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के कार्यक्रम में, जो भी इसका प्रोग्राम है, उसमें भाग लेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, ताकि भ्रष्टाचार के कारण जो भी इस देश का नुकसान होता है उसे कम करें और कंधे में कंधे मिलाकर देश को हम लोग आगे निकलने में मदद करें। जमीन विवाद को लेकर बिरनी थाना क्षेत्र के चोंगाखार गांव निवासी श्यामलाल महतो और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना को लेकर घायल दंपति के पुत्र वासुदेव यादव ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बिरनी थाना क्षेत्र के चोंगाखार गांव में जमीन विवाद को लेकर पति पत्नी के साथ मारपीट की गई। घायल अवस्था में दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इसको लेकर घायल दंपति के पुत्र वासुदेव यादव ने बिरनी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सदर अस्पताल में अपने माता पिता का इलाज करा रहे वासुदेव यादव ने बताया कि इनके पिता श्यामलाल महतो अपनी जमीन पर खूंटा गाड़ रहे थे, तभी गांव के पप्पू यादव, पवन यादव, अनिल यादव, शंकर यादव, रूपलाल यादव आदि मौके पर पहुंचे और इनके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। हो हंगामा सुनकर श्यामलाल को बचाने के लिए इनकी पत्नी हिरिया देवी आगे आई तो इन पर भी हमला किया गया, जिससे इनका पैर टूट गया और आंतरिक रूप से गंभीर चोटें भी आई। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है, देखना होगा पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल महतो। कहाँ घर है? चौंगा। कौन सा थाना? दिल्ली। क्या हुआ था? जमीन के लिए हम अपना जमीन में लगा खोटा खोटा कर रहे थे, तो आके एकदम मारने लगा। कहा करता है, हम बोला अपना हम जमीन में गिर रहे हैं, तुम्हारा जमीन में नहीं है, नहीं माना, टांगी से मारा, पत्थर से चलाया। कौन कौन लोग मारे? वो मारा एंगेल था, पप था, शंकर था, टुपलाल था, अरे वो पावन था। कहाँ कराने वाले वो लोग? वो लोग घरे में रहता है, कहीं कमाता है बाहर में। मतलब आपके एक ही गांव का है? हाँ, एक ही घर है सामने में। कितने लोग घायल है आप लोग? और कितने लोग घायल है आप लोग?
तीन आदमी। कौन कौन? एक तो हमको हुआ और एक हमारा परिवार को हुआ। पपरवाटार स्थित न्यू पुलिस लाइन में शहीद स्मरण दिवस के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय कार्यक्रम के 8वें दिन गिरिडीह पुलिस ने बच्चों के बीच कई इवेंट का आयोजन किया। इस दौरान बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शामिल सभी नौनिहाल बच्चों को एक समान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शहीद स्मरण दिवस पर पपरवाटार स्थित न्यू पुलिस लाइन में आयोजित 10 दिवसीय कार्यक्रम के 8वें दिन बुधवार को गिरिडीह पुलिस ने बच्चों के बीच कई इवेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम में बरवाडे पुलिस लाइन स्कूल के नौनिहालों ने हिस्सा लिया। एसपी अमित रेणु के निर्देश पर बच्चों के बीच देशभक्ति पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं में स्कूल के दर्जन भर से अधिक बच्चे शामिल हुए। सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक और सार्जेंट कामेश्वर रजक के नेतृत्व में हुए प्रतियोगिताओं में नौनिहालों की प्रतिभा ने पुलिस पदाधिकारियों का उत्साह भी बढ़ा दिया। यहां एक एक बच्चों ने देशभक्ति के रंग में रंग कर युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सैनिकों की खूबसूरत तस्वीर बनाई। सार्जेंट मेजर पाठक ने प्रतियोगिता में शामिल नन्हे प्रतिभागियों को प्रथम द्वितीय और तृतीय करने के बजाय सबों को एक समान पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के बाद राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका पर बच्चों के बीच परिचर्चा का आयोजन भी किया गया। परिचर्चा में शामिल प्रतिभागी आरव और तन्वी ने बड़े बेबाक तरीके से पुलिस की ड्यूटी को कड़ी चुनौती बताते हुए चर्चा की। वहीं कुछ प्रतिभागियों ने परिचर्चा में पुलिस कर्मियों को भी छुट्टी मिलने पर चर्चा की। प्रतियोगिता में आरव कुमार, श्रेया कुमारी, अमन कुमार, स्नेहा कुमारी, तन्वी कुमारी, रौनक कुमार, माही कुमारी, सौरभ कुमार, प्रभात कुमार के अलावे नव्या और प्रिंस आदि शामिल थे। श्री शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड में भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद जगह जगह भंडारे का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को श्री शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड में भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि हर साल यहाँ पूजा की समाप्ति के बाद भंडारा आयोजित किया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया गया है। यहां इस आयोजन की सफलता में निलेश कुमार सिन्हा, संजय पांडे, राजेंद्र लाल बर्णवाल, दीपक प्रजापति, संस्कार कुमार, रवि कुमार, विशाल कुमार, अजय कुमार, प्रेम कुमार आदि लगे हुए थे। शारदीय नवरात्र की समाप्ति के पश्चात आज श्री शक्ति माँ दुर्गा पूजा समिति बीबीसी रोड कुम्हार टोली में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इस बार कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। पूजा संपन्न हुआ और आज भंडारे में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं बारी बारी से और भंडारे का प्रसाद लेके जा रहे हैं। माँ दुर्गा हर वक्त लोगों के सुख शांति का आशीर्वाद देकर जाती है और हम सभी कामना करते हैं कि भक्तगण आए और प्रसाद ग्रहण करें। आज यह 24वां वर्ष चल रहा है, अगले वर्ष रजत वर्ष यानी 25वां वर्षगांठ मनाया जाएगा और विस्तृत ढंग से यहाँ पर पूजा की जाए। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद बुधवार को सार्वजनिक काली मंडा बरगंडा में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि इस बार कोरोना की वजह से लोगों के बीच प्रसाद की पैकेटिंग कर उसका वितरण किया जा रहा है। सार्वजनिक काली मंडा बरगंडा में बुधवार को भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना के कारण इस बार विशेष एहतियात बरती गई और भंडारे का स्वरूप बदला बदला सा नजर आया। यहां पूजा कमेटी द्वारा पैकेटिंग कर प्रसाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरित किया गया। बताया गया कि बरगंडा सार्वजनिक काली मंडा में 60 वर्षों से भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत आयोजन समिति के प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि भंडारे का प्रसाद खाने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। कोरोना के कारण इस बार महाप्रसाद का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी भक्तों के बीच किया जा रहा है।
मंडा स्वाधीनी काली मंडा में जो माँ दुर्गा का पूजन हर साल होता है, उसके पश्चात एक दिन के बाद भंडारा का हर साल आयोजन होता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार भंडारा का आयोजन जरूर किया गया, लेकिन हम लोगों ने इसमें कंटेनर पैकिंग यानी पार्सल पैकिंग की व्यवस्था की है। लगभग 8 से 10 हज़ार पार्सल का हमने व्यवस्था किया है, हमारी संस्था ने व्यवस्था किया है, और वो विधिवत सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम लोग उसको वितरण कर रहे हैं। और उसमें माँ का भंडारा में जो हर साल बनता है खिचड़ी और सब्जी, वही है लोग इसका काफ़ी सालों से हमारे पूरे साल इंतजार करते हैं। इसीलिए हम लोग का अंतिम में ये विचार किया गया कि नहीं, माँ का प्रसाद जरूर बनेगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम लोग कंटेनर में बांटने की व्यवस्था की है, और लोग काफ़ी श्रद्धा से इसमें लाइन लगा के विधिवत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये भंडारा लगभग पिछले 50 सालों से चल रहा है, इसमें हम लोगों के यहाँ ये 10,000 आदमी का भंडारा हर साल होता है बैठा के खिलाने का, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हम लोग सिर्फ 8 से 10 हज़ार कंटेनर पार्सल हम लोग पैकिंग कराए हैं और वो हम लोग विधिवत बांट रहे हैं। और इसमें कमेटी में कौन कौन है? हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री अजय बगड़िया, उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ शर्मा, सचिव में प्रदीप अग्रवाल, संयुक्त सचिव श्री दुर्गाराम, और कोषाध्यक्ष श्री भरत भूषण प्रसाद, और कार्यकारिणी में हमारे 11 आदमी हैं। और ये दुर्गा का प्रगंधा स्वाली दुर्गा मंडा जो है, ये इसमें कोई संस्था ठीक है कमेटी है, लेकिन इसमें सभी लोगों का सहयोग जो है, जो गिरिडीह से बाहर भी लोग चले गए हैं, लेकिन वो इस दुर्गा पूजा के समय माने यहाँ इतनी आस्था है कि वो लोग याद करके भेजते हैं कि हमारा भंडारा में ये योगदान चाहिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, लोग याद करके, हम लोगों को भी पता नहीं रहता, लेकिन उन लोगों का फ़ोन आता है और हम लोग उसमें उन लोगों का सहयोग मिलता है, और गिरिडीह के पूरे नगरवासियों का काफ़ी सहयोग है। और ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है, सैकड़ों साल से यहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा का पूजा होते आ रहा है, और ये हम लोग को सौभाग्य कि हम लोग इसमें अभी सेवा दे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईद उल मिलादुन नबी को लेकर मुफस्सिल और नगर थाने में हुई शांति समिति की बैठक, किसी भी तरह का जलसा या जुलूस पर लगाई गई रोक, सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार को मनाने का तैयार हुआ मसौदा। गादी श्रीरामपुर में फैक्ट्री संचालक लकी केजरीवाल पर लगा गंभीर आरोप, 3 लोगों ने जिला व पुलिस प्रशासन को दिया आवेदन, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गांडे में भाजपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएम आवास समन्वयक पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बीडीओ ने कहा जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। और बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में आयोजित हुआ भव्य भंडारा, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद, कोरोना को देखते हुए की गई थी पैकेटिंग की व्यवस्था। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।